जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो भी हमें ये पेयर्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है यहाँ पे, और वेरीफाई करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ जो भी आएगा उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके मल्टीपल के इक्वल होगा। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके सामने लिखेंगे और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके सामने लिखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का फर्स्ट स्टेप होता है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 1 2, 2 3 6 और 13 जो है ये अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है, 13 1 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 13। इसी तरह से 91 के क्या फैक्टर होंगे वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 91 जो जाएगा ये 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 तो ही वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। उसके बाद करेंगे इसे 7 से, 7 बन जा 7, यहां पर बचेगा 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, 2 और 1 हो गया 21, ठीक है, और 7 3 जा होता है 21, और 13 मैंने ऊपर बताया है कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, 91 के जो फैक्टर होंगे वो हो गए 7 मल्टीप्लाई में 13। तो HCF पहले निकाल लेते हैं, HCF, HCF क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन यहाँ पर क्या है 13, ठीक है, तो HCF भी हमारा हो जाएगा 13। और LCM क्या होगा, LCM हाईएस्ट वैल्यू लेंगे सब में, मतलब जिसकी पावर 2 सबसे ज्यादा इसमें है या इसमें है, 2 सिर्फ इसमें है तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद 7 देख लेते हैं, 7 इसमें है इसमें नहीं है, मतलब 7 की हाईएस्ट पावर यही है, तो 7 मल्टीप्लाई में 13 की हाईएस्ट पावर, 13 की पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कहीं से भी एक लेना हमें, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, ठीक है, 13 इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये आ जाएगा 13 2 26, 26 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 182, तो एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है इस आइडेंटिटी से, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, तो LCM मल्टीप्लाई में HCF, LCM है 182 मल्टीप्लाई में HCF, HCF है 13, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, HCF और LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, ठीक है। इसी तरह से 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई में 91, जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका मल्टीपल, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 2366, तो यही होगा हमारा, मतलब ये वेरीफाई हो गया है कि ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारे बिल्कुल आंसर जो है ये सही आए, मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारा बिल्कुल
सही है, इसी तरह से चलते हैं सेकंड पर। सेकंड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा रब, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है अभी तक तो वीडियो में पीछे भी जाके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, सेकंड में भी हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 510 और 92 का। तो सेम मेथड अपनाएंगे, सेम मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, ठीक है। तो हमें करना है 510 और 92, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन इनके सामने लिखेंगे। तो 510 के कर लेते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, 2 से करेंगे इसे, 2 जा 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, फिर से 2 5 जा 10, या फिर से 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, फिर से 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है, इसे करेंगे अब 3 से। 3 के टेबल में 25 से कम क्या आता है, 3 8 जा 24 और 1 बचेगा यहां पर, 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पर। अब 85 जो है ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये आएगा 5 के टेबल में। तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 3, यहां पर 3 यहां पर बचेगा और ये 5 ये 35, और 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पर, 5 7 जा 35। अब 17 जो होता है ये एक प्राइम नंबर होता है, तो ये सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है। तो 17 वन जा 17, 510 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। इसी तरह से 92 के फैक्टर्स कर लेंगे, 92 के फैक्टर्स भी लिख लेता हूँ। 92 इसे करेंगे हम 2 से, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे बचेगा यहाँ पर 1, 1 और 2 हो गया 12, 2 के टेबल में 6 पर आता है, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 जो होता है ये होता है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा, 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23, या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां से क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ, एचसीएफ होगा जो भी इनमें कॉमन आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2, एक तो 2 कॉमन है यहाँ पे, दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 3 ऊपर, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 17 इसमें है, 3 इसमें, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है और इसमें नहीं है। तो HCF क्या होगा, जो सिर्फ हमारा कॉमन आया, तो HCF हो जाएगा 2। और LCM क्या होगा, LCM, LCM में हम देखें सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर्स जो हुए हैं उनमें हाईएस्ट सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 था, 2 की हाईएस्ट वैल्यू कहां पर है, इसमें है या इसमें, इसमें है 2 का स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 की हाईएस्ट वैल्यू, उसके बाद 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 3 की हाईएस्ट वैल्यू 3 सिर्फ अकेला ही यहां पर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद ऐसे ही 5 की हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर है 5, मल्टीप्लाई में 17 आ रहा है, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई में 23, मतलब जिसमें भी इनकी पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर जोन से में भी हो, चाहे इसमें भी हो चाहे इसमें हो, उसी को हमने उठा लेना है और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम जो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आएगा 23,460, ठीक है, ये 4,060 ये हो जाएगा हमारा
LCM. अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं. वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर. ठीक है, मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह ये लिख रहा हूं, आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर आप ये लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो LCM मल्टीप्लाई में HCF, LCM कितना है 23,460 मल्टीप्लाई में HCF, HCF है 2 और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये है 510 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है 92. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 46,920 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 46,920. तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा और जो हमारा HCF का मल्टीपल आ रहा है या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे जो आंसर होंगे वो बिल्कुल सही होंगे. ये LCM आ गया और HCF यहाँ पर 2 है. ठीक है, तो थर्ड पर चलते हैं. थर्ड के लिए फिर से मुझे रब करना पड़ेगा, आप नोट डाउन करना है तो वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं. थर्ड में हमें निकालना है 336 और 54 का LCM. तो वही मेथड अपनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले इन दोनों की. ठीक है, एक मिनट रब कर लेता हूं, फिर से आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को. तो थर्ड पर चलते हैं, थर्ड वाला रह गया. ठीक है, थर्ड में करना हमें 336 और 54 का LCM और HCF फाइंड करना है और इसे वेरीफाई भी करना है. तो 336 और 54 दोनों का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो ये लिखते हैं 336, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं. इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे निकाल लेते हैं. तो 2 से करेंगे, 2 1 बचेगा 13 हो जाएगा और 2 6 जा 12, फिर से 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 16 आता है 8 पर और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, फिर से 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है 4 जा पर और 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा पर, फिर से 2 से करेंगे, जब तक हो रहा ये करते रहेंगे हम 2 से. तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा पर और 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा पर. उसके बाद 21 लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो ओड नंबर 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 जा पर, 3 7 जा 21 और उसके बाद 7 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है. तो 7 1 जा 7. 336 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7. या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7. अब जो 54 के होंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा. इसी तरह 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं. 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 और 4 हो गया 14 और 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 जा पर. ठीक है, अब 2 से होगा नहीं है, होगा 3 से, तो 3 के टेबल में 27 कब आता है 9 जा पर, 3 के टेबल में 9 आता है 3 जा पर, 3 से ही ये होएगा 3 1 जा 3. तो 54 के फैक्टर्स हो गए ये, 54 के फैक्टर्स हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3. या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3. ठीक है, अब निकालते हैं हम HCF. HCF क्या होगा,
HCF देख लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 और कोई चीज कॉमन आ रही है, बाकी इसमें इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3। इसके अलावा और भी कोई चीज आ रही है क्या, 7 आ रहा है इसमें, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 मल्टी, सिर्फ 2 ही चीजें कॉमन आ रही है हमारे पास, 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 ये हो गया 6। HCF आ गया हमारा 6। LCM देख लेते हैं, LCM क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है, 2 की पावर 4, तो ये ले लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज हो रहा है हमारा, 3 हो रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। उसके बाद 7 आ रहा है, ठीक है, 7 की हाईएस्ट पावर, 7 सिर्फ अकेला यहीं पर है, तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27, मल्टीप्लाई में 7 एज इट इज आ जाएगा, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, LCM आएगा 3024, ठीक है, LCM हो गया 3024। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई किस तरह से करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, ये लाइन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, तो LCM कितना है 3024, मल्टीप्लाई में HCF की वैल्यू क्या है, HCF की वैल्यू यहां पर आई है 6, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 336 और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई कर देना हमें 54, तो 324 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144, और 336 को हम 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आएगा 18,144, ये दोनों इक्वल है, तो हमारे जो आंसर आए हैं वो LCM और HCF वो क्या है, बिल्कुल सही, वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है, ये वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट।